थैंक यू कश्मीर, इतना प्यारा वेलकम देने के लिए और आप सभी आज यहाँ पर आए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कश्मीर आज से कुछ 10 साल पहले अपने फैमिली के साथ आई थी विज़िट करने, और जब आज मैं आई हूँ तब भी बहुत खूबसूरत और अब भी बहुत खूबसूरत, और वैसे यहाँ के सभी लोग हैं दिल के बहुत प्यारे, और हॉस्पिटैलिटी तो आई थिंक हमारे कंट्री में बेस्ट है यहाँ पर। ये जानकर मुझे बहुत एक्साइटेड फील हुआ जब मुझे चंद्रकांत जी ने इस फिल्म के लिए कास्ट किया और बताया कि हम इस कश्मीर की इस कहानी में हम कश्मीर में ही शूट करने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। लोग वेकेशन के लिए आते हैं कश्मीर में, लेकिन मैंने कुछ फिल्म देखी हैं, हैदर और वो मिशन कश्मीर, तो आज भी मेरे दिमाग में वो छवि बैठी है जो ब्यूटी जो है कश्मीर की, और आई एम वेरी एक्साइटेड इस बात को लेकर कि हम यहाँ शूट करने वाले हैं। और रही बात फिल्म की, किरदार मुझे बहुत प्यारा लगा। आप लोगों ने हमेशा मुझे झांसी की रानी की तरह या किसी देवी के स्वरूप में, जो मैंने काम किया है, हमेशा मारपीट करते हुए ऐसे किरदारों में देखा है, और एज एन एक्टर ऑल्सो मुझे कुछ ना कुछ नया ट्राई करना था, और इस बार मैं सादिया जैसी एक बहुत ही इनोसेंट, एक बहुत ही कॉमन सी लड़की है, पर इतनी वल्नरेबिलिटी, मतलब इतनी नाजुक सी है, इतनी कोमल है, दुनिया के बारे में जो जानती नहीं है, बहुत कम जानती है, तो ऐसे किसी किरदार को प्ले करना मेरे लिए चैलेंजिंग है। इसमें मुझे भी बहुत वक्त जाएगा, वर्कशॉप में वक्त जाएगा, और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ ऐसे इस किरदार को प्ले करने के लिए। और जाहिर सी बात है मुझे कश्मीरी डायलेक्ट पे बड़ा काम करना पड़ेगा, जो आप सबसे सुनने में मुझे इतना प्यारा लगता है, तो आप सबका आशीर्वाद रहे। थैंक यू सो मच। टेलीविजन से लेके बड़े स्क्रीन पर उसके थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले मैं एक कलाकार हूँ, और कलाकार के पास कई मीडियम्स हो सकते हैं, और मैं बहुत अपने आप को शुक्रगुजार मानती हूँ कि मुझे हर मीडियम में काम करने का मौका मिला है। अगर आप देखेंगे तो मैंने शुरुआत सीरियल से की, झांसी की रानी से, सीरियल्स का भी मेरा वो प्रवाह रहा, और उसके अलावा मुझे दक्षिण भारत में फिल्मों में मौका मिला, मैंने वहाँ पर भी वेंचर किया, और मेरे पापा भी एक्टर हैं, तो मेरी रुचि हमेशा रही है कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ चैलेंजिंग करने की। तेलुगू के बाद मैंने एक बंगाली फिल्म की, मैंने एक मराठी फिल्म की, और इन सभी फिल्मों में मैंने खुद डबिंग की, तो मुझे कोई नई भाषा सीखना हो या कोई नया किरदार हो उसे अडेप्ट करने में बहुत पसंद। फिर वापस जहाँ कोई मुझे अच्छा किरदार मिला, चाहे वो एक वेब सीरीज़ हो, चाहे वो टीवी शो हो, चाहे कोई फिल्म हो, तो मैंने कभी उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, बिकॉज मैं अपने आप को आखिरकार एक कलाकार मानती हूँ। और अब टीवी से वापस मुझे फिल्मों में आने का मौका मिल रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड। और जैसा कि मैंने कहा, किरदार अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, और जो सोच है इसके पीछे उसने मुझे मेरा वो रिझाव रहा, तो मैं यहाँ पर हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कभी कश्मीरी किरदार के बारे में ना कभी सोचा था, बट मैं बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ कि ये प्रोजेक्ट हो रहा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे मेरी तेलुगु फिल्म हो, मराठी फिल्म हो या बंगाली फिल्म हो, मैं भाषा से लेकर किरदार तक उसमें बहुत गहन सोच और प्रैक्टिस डालती हूँ। मेरी कोशिश पूरी रहेगी, और बस मैं कोशिश करूंगी कि आप जब मुझे स्क्रीन पर देखें तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारी कश्मीर की बेटी नहीं है। जी इससे मेरा एक मिनट, आप कश्मीर की कोई एक्सपीरियंस है, इससे मैंने कभी विजिट किया है कश्मीर? जी मैं आज से दस साल पहले फैमिली के साथ हम घूमने आए थे, वही श्रीनगर में रहे थे हम, गुलमर्ग गए थे, पहलगाम गए थे, सोनमर्ग गए थे, ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा, पर सोचा नहीं था कि मैं वापस शूटिंग के लिए आऊँगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।